हाय शख्स। हेलो। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि माँ की कोख से कोई सीख कर नहीं आता है, पर अपने 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद, ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा डिलीवरीज करने के बाद, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि माँ की कोख ही बच्चे की पहली क्लासरूम है। शख्स, 9 महीने का गर्भावस्था और आने वाला 2 साल एक बच्चे का फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेज है। इस समय माँ और बच्चे का जो लाइफस्टाइल है उसके लिए ख्याल रखना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आज खराब लाइफस्टाइल है वो माँ का आज एक बच्चे के ही नहीं, आने वाली 2 पीढ़ी के लिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां लाइक डायबिटीज, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ये सब की नींव वही माँ की कोख में ही रख देता है। आजकल डॉक्टर्स सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से इतना गाइडेंस नहीं मिल पाता है, और जो भी एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी ट्रैकर्स और कम्युनिटीज है सलाह तो देते हैं पर लाइफस्टाइल में सस्टेनेबल चेंजेस नहीं ला पा रहा है। नमस्कार शाक्स, मैं हूँ रवि तेजा। और मैं हूँ मयूर, और हम दोनों बैंगलोर से हैं। सत श्री अकाल, मैं हूँ डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा आगरा से। और हम है टीम आई मम्स। आई मम्स 24/7 एक माँ को गाइड एंड मॉनिटर करता है और उनके लाइफस्टाइल कोच बनता है। आई मम्स ऐप के द्वारा हम माँ को एजुकेट करते हैं लाइफस्टाइल की कितना इम्पोर्टेंस है, डिजाइन करते हैं उनको क्या क्या फॉलो करनी चाहिए, और हम कराते भी हैं उनसे। हमने अपनी शुरुआत 2.5 साल पहले किए है और पिछले 2.5 साल में 6 लाख से अधिक महिलाएं हमारे ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। शार्क्स, हमारी आस्क है 70 लाख रुपीस इन एक्सचेंज ऑफ 1% ऑफ आवर कंपनी। आइए और कीजिए फ्यूचर जनरेशंस को ट्रांसफॉर्म आई मम्स के साथ। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। तो कैसे आप लोग मिले और ये किस्सा कैसे शुरू हुआ, जरा बताएं। मैं और मयूर एक दूसरों को कॉलेज टाइम से जानते हैं, हमने IIT BHU में ग्रेजुएशन की थी 10 साल से। IIT BHU वाराणसी। अच्छी अच्छी। सो मैं एक फैमिली से आता हूँ, मेरा 5 जनरेशन से हमारी फैमिली में सब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है। ओह वाह। तो मैं होलिस्टिक हेल्थ को और इंडियन साइंसेस और मॉडर्न साइंस की भी सबकी इक्वल रेस्पेक्ट करता हूँ, और मयूर एक टेकी है। हम दोनों को स्टार्टिंग से है कि कुछ करना है, कुछ बड़ा बनाना है एंड हेल्थ में हम करना चाहते हैं। देन फॉर्चुनेटली वी गॉट टू मीट डॉक्टर जयदीप जी। शी इज वन ऑफ द वेरी रिनाउंड डॉक्टर्स ऑफ द ग्लोब, इंडिया इज एन अंडरस्टेटमेंट। अच्छा। विद डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड पैशनेटली वर्किंग ऑन द सेम कॉज फॉर मोर देन 20 इयर्स। आप मिले कैसे इनसे? मैं बताती हूँ। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी डॉक्टर्स की ऑब्स्टेट्रिशियंस की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रेसिडेंट थी 2018 में। ओह वाह। मैं एक थर्ड जनरेशन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ अपनी फैमिली में। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे सब गायनेक हैं। उसके साथ साथ हम दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी काम करते थे। हमने बहुत सारा ट्रैवल किया ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर्स की भी और प्रेग्नेंट लेडीज़ की भी, वो बहुत अच्छे से हम समझते थे। तो मुझे घर जाके हमेशा बहुत एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग होती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं जितना, मुझे एक प्रेग्नेंट लेडी जब मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आती है तो मुझे जो उसे बताना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए या जो कराना चाहिए, वो मैं कर नहीं पा रही। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज टाइम फ्रेम इतना हैवी प्रैक्टिस था। आप पहले 50-60-100 पेशेंट देखते हो, फिर उसके बाद आप बीच में डिलीवरीज कर रहे हो, सिजेरियंस कर रहे हो। पीयूष, इंडिया में 1 लाख डॉक्टर्स है और 3 करोड़ गर्भवती महिलाएं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम देखते हैं। ओह माय गॉड। और बाहर एडवांस कंट्रीज में भी मिडवाइव्स, डूलास करके सिस्टम हेल्थ केयर में बर्डन बहुत कम करते हैं, बट इंडिया में हेल्थ केयर बर्डन बहुत ज्यादा है। व्हेन आई मेट हिम ही वाज जस्ट 24, बट आई फेल्ट लाइक एंजल्स हैव कम इन, बिकॉज़ देयर वाज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू डू एंड देयर वाज समबडी हु वाज रियली कमिटेड कि अरे यार मेरे को ये करना है। मिले कैसे, ढूंढा कैसे आपने? सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई गेट क्रैश वन ऑफ हर इवेंट्स एंड आई स्टॉक्ड हर एवरीवेयर कि प्रैक्टो भैया या पैचेस्ड वेरी गुड एंड
सही है। ये करना ही है। तो मैं आपको एक हमारी वन ऑफ द यूजर्स की जर्नी बता देता हूँ। ओके। जैसे वो डाउनलोड करते हैं, उनको दो ऑप्शन दिखता है, प्रेग्नेंट और मदर। हम 2 साल तक की सपोर्ट देते हैं। हम जल्दी उनका एक फोन नंबर ले लिया और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट, यानी कि जो बताता है कि उनकी गर्भावस्था कब से स्टार्ट हुआ है। कुछ और प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस है जो भी है वो जल्दी पूछते हैं ताकि उनकी लाइफस्टाइल हम डिजाइन कर पाए। हम उनको 2 प्लान्स देते हैं। एक है हमारा प्रीमियम प्लान, जहाँ पे हम उनको एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर, एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड एक डॉक्टर उनकी केयर को सुपरवाइज करने वाले, एंड एक स्टैंडर्ड प्लान भी है जिनसे उनको हमारा कंटेंट लाइब्रेरी मिलता है। हमारी यूएसपी है कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो है हम वो सजेस्ट करते हैं। आज के दिन में उनको जो भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है और क्या राग सुनना है, हमने बहुत यूनिक कॉन्शियस बेबी बॉन्डिंग एक्टिविटीज डिजाइन किए। वो बेबी से वूम में कैसे बात करनी है, इन सबको करने में उनको 30 से 40 मिनट का समय लगता है एंड ये वो सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। हमारे लाइव क्लासेस होते हैं काफ़ी सारे, जिनसे डायरेक्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत अच्छा एजुकेशन दिया जाता है। ये सब कुछ इंग्लिश में है, अभी हिंदी में भी उपलब्ध है। ऐसे पर बहुत ऐप्स हैं इंटरनेट पे, बहुत। बाकी ऐप्स में 4-5 जो आर्टिकल्स जो पढ़ना होता है वही दिया जाता है। हम लाइफस्टाइल में हर दिन चेंज ला रहे हैं। हर माँ बता दी कि एक बटन क्लिक पर अभी मेरे को बहुत कंटेंट मिलता है, पर कोई ये नहीं बताते कि मुझे क्या करना है। एक्शनेबल इंसाइट्स आर लैकिंग एंड दैट्स व्हाट वी डू थ्रू आवर कंटेंट प्लान और वी हैव अ सर्विस बिजनेस वेयर वी गाइड देम टू डू दैट एवरीडे। मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं कि मेरे जो फर्स्ट डॉटर थी वो जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तब हुई, रोज नाइट ड्यूटीज हो रही है, ये हो रहा, तो इतना स्ट्रेसफुल था। और जब 6 साल के बाद दूसरा बच्चा आया, मैं घर पे थी, बहुत सारी मेरे को सपोर्ट थी, मैं योगा कर रही थी, मैं म्यूजिक सुन रही थी, तो वो दोनों की पर्सनालिटी में ही इतना फर्क है। लेकिन वो तो नेचुरल भी होता है, जेनेटिक भी होता है ना। नेचुरल भी होता है, साइंस के बारे में नहीं। नहीं नहीं, ये देखिए, आप साइंटिफिक, आप डॉक्टर हैं, हाँ, आप IIT से पढ़े हुए हैं। ये बात मतलब मुझे लगता है ज्यादा शोभा नहीं देती है अनलेस यू हैव साइंटिफिक एविडेंस और वैलिडेशन, क्योंकि हर आदमी अलग है। ये तो हम चाहते हैं। यस अनुपम, वेरी ट्रू अनुपम। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक माँ स्ट्रेस, बहुत हाई अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेस से गुजरती है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स बेबी का डेवलपिंग ब्रेन सेल्स को भी किल कर सकते हैं, IQ लेवल पे इंपैक्ट होता है, जो न्यूट्रिशन है, जो मार्क। डू यू हैव अ स्टडी फॉर दिस? देयर आर सो मेनी स्टडीज ऑलरेडी, वी ऑल्सो हैव आवर ओन स्टडी। अनुपम, नहीं नहीं, दैट डजंट काम। एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं, हम खाली योगा हम योगा और मेडिटेशन की खाली नहीं कर रहे हैं, आपका जो न्यूट्रिशन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो बातें हैं ना, बहुत डिबेटेबल है, तो अगर उसमें घुस गए ना तो फिर वापस ही नहीं लौट के आएंगे। हमें ऑफर तक पहुंचना है शायद आपको, तो बात आगे बढ़ा। अभी आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, डाउनलोड्स कितने हैं? सो पीयूष, हमारा आज तक 6 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। ओके, नॉट बैड। एंड 1.1 लाख मंथली एक्टिव यूजर बेस है अभी, फ्री पेड सब मिला के 30,000 पेड सब्सक्राइबर्स है हमारे। वो कितना पैसा देते हैं? हमारा 1799 का प्लान है, हम पूरा प्रेगनेंसी का एक साथ चार्ज करते हैं। सो 4.5 मंथ्स का एवरेज पेमेंट होता है, तो 8,000 टिकट साइज है हमारा पर्सनल प्लान। कुल मिला के हमने 30,000 पेड सब्सक्राइबर से 2.2 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया। कितने महीने में? 2 साल में। 2 साल, तो अभी अगर लास्ट मंथ के नंबर देखें तो क्या, कितना सब्सक्राइबर्स, न्यू सब्सक्राइबर्स आप ऐड कर रहे हैं, और ये ग्रोथ हो रहा है मंथ ऑन मंथ या स्टैग्नेंट हो गया? 1200 न्यू सब्सक्राइबर्स को हमने लास्ट मंथ ऐड किया, 20 लाख रुपीस के रेवेन्यू जनरेट किया, 16 लाख जो है हमारे स्टैंडर्ड पैकेज से आया है एंड 4 लाख। एंड हाउ इज दिस ग्रोइंग? 1200 3 महीने पहले कितना था? 750 सब्सक्राइबर्स। एंड इसके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं? जी, मार्केटिंग करते हैं। कितना मार्केटिंग कर रहे हैं? हमारा 3 स्ट्रॉन्ग एक्विजिशन चैनल्स है। 1, हम फेसबुक एंड गूगल पे एड्स
चलाते हैं जो हमारा 55% का ट्रैफिक लाता है। सेकंड हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारी 1.1 लाख फॉलोअर्स है एंड वहाँ से 300 से 500 लोगों की डिस्कवरी होती है हर रोज। तीसरा वर्ड ऑफ माउथ हमेशा 30-35% रहा है हमारा प्लेटफॉर्म। बहुत कम नंबर, जब 1200 सब्सक्राइबर्स का मतलब हो गया मात्र 40 सब्सक्राइबर रोज के, और ये जो प्राइस प्लान का है 700 रुपये और 1700 रुपये, ये भी काफी स्टीप है। एक जो एक्सपेक्टिंग मदर और न्यू पेरेंट होता है उनको बहुत ज्यादा पैशन होता है। नहीं, 1800 for content per month देना, tier 2, tier 3 में आप tier 1 भी नहीं कर पाओगे, आप जो content बेच रहे हैं वो YouTube में free में। Okay, one, two, बहुत सी apps हैं, HeloFi जिसमें मैं investor हूँ, वो इंडिया की लार्जेस्ट कम्युनिटी है मदर्स की, एक्सपेक्टिंग मदर्स की, राइट। वहां पे भी सब्सक्रिप्शन नहीं चला, उन्होंने कॉमर्स में पिविट कर दिया, बहुत अच्छा चल रहा है। प्रॉब्लम वहां है रूरल एरिया में, वहां तक तो पहुंच ही नहीं आप, और वहां पर यू आर आउट प्राइस द मार्केट, यू आर नॉट इन द मार्केट। सो अलग अलग टीजी के अलग अलग चीजें देना चाहिए अनुपम। तो हमारी ऐप में 25-30% कंटेंट फ्री है, उनको हम और तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं विद एडवर्टाइजमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अनुपम, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो मदर है उनको इसकी बहुत नीड है, क्योंकि उनको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, इवन इन टियर 1 सिटी। आई टोटली एग्री, पर आप अपने विजन पे तो जाइए। आप कह रहे थे आपको भारत में प्रॉब्लम सॉल्व कर, और उसके लिए वर्नैक्युलर जाना, डेप्थ में जाना, उनको समझाना, क्या वो कंटेंट हिंदी में पढ़ भी पाएंगे, या उनको जो कंटेंट, जो वीडियो कंटेंट भी, वो भी लोकल भाषा में देना पड़ेगा, वहाँ पे तो गेम है। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू को फॉरगो करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा, एक बताइए आपका इक्विटी स्प्लिट क्या है? सो हम 4 co-founders हैं एक्चुअली, 4th co-founder हमारे हेल्थ रीजंस के वजह से लास्ट मिनट ड्रॉप आउट करना पड़ा। हम चारों के बीच में इक्विटी स्प्लिट इक्वल है, इक्वल 67% हम होल्ड करते हैं एंड 10% हमारा ईसॉप पूल है, 23% हमने 2 राउंड्स में डाइल्यूट किए हैं, प्री सीड एंड सीड राउंड का। अभी बता ही दिया है राउंड का, तो लास्ट कब था राउंड? यही होने वाला था। तो ये जो वैल्यूएशन मैंने बोला, इट्स द सेम वैल्यूएशन, सेम है, 70 कब हुआ था? ये 1.5 महीने पहले हुआ था, 6 करोड़ भी रेज्ड बट 70 CR वैल्यूएशन। मेरा ये मानना है कि 2.2 करोड़ रेवेन्यू ओवर 22 मंथ्स, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको वैल्यूएशन देती 10 से 15 करोड़ बेस्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, आपको मिला है 70 करोड़। तो मैं प्रीवियस इन्वेस्टर्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगी, एंड क्योंकि मेरे लिए ये बहुत हाई वैल्यूएशन है, आई एम आउट। बट ऑनेस्टली इट्स अ ग्रेट कॉज एंड वी आर ऑलवेज विथ यू। तो आपका ये जो ऐप है, इसकी नीड है, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि इसको पुश करो, कि किसी तरह इसकी यूजेबिलिटी बढ़ाओ, और एक बार ही वो वर्ड ऑफ माउथ बढ़ जाएगा ना आपका, तो बहुत सारे लोग यूज करेंगे। सो आई एम आउट फॉर नाउ, बट सी यू सून। अभी आपके पास 3 करोड़ गर्भवती महिलाएं, वो ही आपका मार्केट है, वो कंज्यूमर आपके पास मैक्सिमम 3 साल के लिए होता है, 9 months ऑफ प्रेगनेंसी एंड देन 2 years में भी, लाइक अब उसमें आप अभी 700 रुपये का कंटेंट पे बेचने की ट्राई अगर करें, कंटेंट या गाइडेंस प्लान, तो वो बहुत फिर छोटा हो जाता है। तो एक नीश में जब आप कुछ बनाने की कोशिश करो एंड फिर उसमें प्रीमियम प्राइसिंग करो, तो वो इंडिया में मतलब वैसे पैसे देने वाले लोग बहुत कम हैं, अनलेस फिर आप लॉस में करो और बहुत चीप सब्सक्रिप्शन करो, पर वो आपको करना नहीं है, फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। तो राइट नाउ तो मुझे लगता है ये बहुत डीप फंडिंग वाला गेम है शायद, एंड इसमें मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी, तो मैं इससे अभी आउट। चलिए, 3 sharks आउट है। पीयूष, आपका माइंड मेकअप हुआ कि आप डिसाइड करो? मैं सोच रहा हूं। तब तक मैं बता देता हूँ, लक्ष्य उद्देश्य बहुत अच्छा है कि भारत में जाके लोगों की मदद करना है, क्योंकि गर्भवती की सारी प्रॉब्लम्स वहीं पर है। राइट मेट्रोज में इतनी प्रॉब्लम नहीं है,
जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी दो बहनें हैं, मेरी वाइफ है, बहुत लोग के संपर्क में रहते हैं, ऐप्स हैं उनके लिए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं है। आप क्या सॉल्व करने निकले हो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। आपने 70 करोड़ का वैल्यूएशन पे रेज किया है, वो सबसे बड़ा काम किया आपने। आपके पास आज पैसे हैं तो उसे यूज कीजिए प्लीज, एंड फाइंड प्रोडक्ट मार्केट फिट सो दैट आपको एक रेवेन्यू मॉडल मिले, ठीक है, तब जाके आप स्केल करना और फंडिंग दे सकते। तो इसलिए मैं आ जाऊंगा, बट होपफुली पीयूष विल इन्वेस्ट। देखिए डॉक्टर मल्होत्रा, चैलेंज क्या है ना कि विजन तो बढ़िया है, पर एक होता है प्रॉब्लम पे फोकस करके उस पर चल जाना राह पे, एक होता है बिजनेस बनाना। ये अब बिजनेस की डायरेक्शन में जा रहा है बहुत जल्दी। 70 करोड़ पे आपने पैसा उठा लिया है, राइट? अब आपको उन इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना है। वो आप कैसे देंगे? आपको सब्सक्रिप्शन बेचना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन बेचने के लिए आपको उसकी टिकट साइज इतनी लो कर देंगे तो उतना पैसा नहीं आएगा। तो मेरे को इसमें कंसर्न ये है कि मेरे आने से ना, मेरे पैसे डालने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसमें 3-4 करोड़ से भी कुछ होगा नहीं। तो मैं अभी आपको यही कह सकता हूँ कि अभी आप मेरे से ज्यादा पैसे मत लीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूँगा। ओके। बिकॉज पैसे हैं आपके पास, और 50-60 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा, बाकी मैं आपको एज डेट दे दूंगा। 60 लाख पे आप 10% इंटरेस्ट मान लो, मेरे को खाली 1% इक्विटी चाहिए उसमें, जो कि एक एडवाइजरी इक्विटी टाइप होती है, एंड दिस इज ओनली टू सिट डाउन विद यू एंड हेल्प एंड टू कंज्यूमेट अ डील है। यस, एडवाइजरी इक्विटी उसे कहते हैं जब आप किसी को उनकी एक्सपर्टीज या स्ट्रेटेजिक वैल्यू के लिए अपने कंपनी में शेयर्स देते हैं बिना ज्यादा पैसे लिए। ये जनरली फ्री में ही दिया जाता है। हम एक बार बात करना चाहते हैं। आप बात करके आइए, जल्दी जाए, जल्दी आइए। She will say yes to you. You know why? Because you provide business acumen and technology. So I am very strong. Yeah, they'll say yes. They'll say yes. Obviously, they'll say yes. Welcome back. क्या सोचा आपने? पीयूष, thanks for the offer. And डील पक्की है हमारी। Congratulations. Wow, बहुत अच्छे। We need to raise money in this company, right? Thank you for being on. मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आप ही के लिए किया है। Thank you so much. Right, because of working on this cause. All right, guys. Congratulations. Congrats, you got a great shop. Thank you so much. Thank you. Thanks. Thank you. गेटअवे इंडिया की सबसे पहली हेल्दी आइसक्रीम। मैं हूँ जिमी और ये है मेरा बेटा जश। गेटअवे में है 4 गुना ज्यादा प्रोटीन नॉर्मल आइसक्रीम से, क्योंकि हम ऐड करते हैं वे प्रोटीन पाउडर। हमें पर धंधा वाला, हमें पर धंधा वाला। Let's do it. Okay then, let's go for it. Good stuff. एपिसोड एयर हुआ था, जितनी भी सिटीज को तब सप्लाई कर रहे थे वहां सारी जगहों पे स्टॉक आउट होना शुरू हो गया था। करीबन 20 लाख रुपए की सेल करते थे पर मंथ, आज वही पर मंथ की सेल हमारी 2.5 करोड़ हो गई है। हम 45 सिटीज में और आज हमारे 160 क्लाउड किचन है। ये साल खत्म होते ही हम ऑलमोस्ट 200 का नंबर क्रॉस कर जाएंगे। ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स हमें ये नंबर को 350 पहुँचाना है। वी फील लकी कि हमें ऐसे शार्क्स मिले जो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से थे। वन ऑफ द आइडिया वॉज कि हम रेस्टोरेंट से पार्टनर करके इन रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज में हमारी आइसक्रीम रखें। वो केस में अमन ने हमें काफ़ी 6-7 रेस्टोरेंट ग्रुप से कनेक्ट करवाया। विनीता के थ्रू हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैनेजमेंट की काफ़ी चीज़ें सीखी। बहुत ही क्रिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरियल टीम है। उन्होंने अपने नेम को भी, जो गेट अवे था विद WHEY, जो एक कंफ्यूजिंग नेम था, एक मोर इजी टू रिमेम्बर एंड नॉन प्रोटीन फोकस नेम रखेंगे, तो उन्होंने उस नेम को चेंज भी किया। गेट अवे एक ऐसा ब्रांड है जिसे मैंने एक इंस्टेंट कनेक्ट महसूस किया। हेंस वी डिसाइडेड टू बिल्ड समथिंग टुगेदर।
उनको हमारा प्रोडक्ट इतना पसंद था कि उन्होंने ये बोला कि मुझे भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो उन्होंने भी अभी रिसेंटली एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ये पार्टनरशिप से और शार्क टैंक से एटलीस्ट वो 1 to 10 अब एस्टेब्लिश कर लिया है। हमारा जो टारगेट है 300 करोड़ की कंपनी रेवेन्यू बनाने का, वो हम अचीव करने के लिए अब वो डायरेक्शन में जाएंगे। तो मेरे हिसाब से हमने भी जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग टच किया है, काफ़ी सारा काम ये जर्नी में करना है। शार्क्स, आज का हमारा न्यू एज जंक क्या है? अनहेल्दी स्नैक्स जो हम हमारे पेट को एक डस्टबिन समझ के भरे जा रहे हैं। चाहे वो शार्क टैंक के एपिसोड्स बिंज वॉच करते करते या कभी कभी T20 मैच देखते देखते, माइंडलेस ईटिंग और बिंजिंग की आदत इतनी बड़ी हो गई है कि एक 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। इस हैबिट को न्यूट्रिशियस और गिल्ट फ्री बनाने हम लाए हैं द हेल्दी बिंज। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है करण कोरके। और मेरा नाम प्रणव कोरके। हम पूना से हैं और हम फाउंडर्स ऑफ द हेल्दी बिंज। हमारा हेल्दी बिंज ये रेडी टू ईट स्नैक है जो ज्वार, रागी और किनवा जैसे मिलेट से बनाया गया है। ये तराजू पे एक तरफ हेल्दी बिंज है और दूसरी तरफ ये फ्राइड चिप्स का पैकेट, परफेक्टली बैलेंस दिख रहा है ना? पर दिखावे बिल्कुल ना जाइए। हमारे हेल्दी बिंज में 2 एप्पल इतना डाइट्री फाइबर, 1 बंच ऑफ पालक इतना आयरन, नो वे, 1 अंडे इतना प्रोटीन, वाओ, और 1/2 ग्लास दूध इतना कैल्शियम है। इससे 50% इसमें कम फैट है पर 100% ज्यादा टेस्टी भी है। वाओ, व्हाट अबाउट कैलोरीज? 180 कैलोरीज वर्सेस द अदर वन। It's 230 calories. So healthy beans, 100% baked है, 0% cholesterol, no trans fat, gluten free, 100% vegetarian. उसमें कोई मैदा भी नहीं है, ना ही कोई palm oil. हमारे पास Indian मसाला, smoky barbecue और classic cheese जैसे flavors available है. हमने last year brand launch किया 2021 में. तब से आज तक 2 लाख से भी ज़्यादा packets sell कर चुके हैं. हम 13 सिटीज के रिटेल शेल्फ्स और 15 से भी ज्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट एंड बिग बास्केट अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि जब भी किसी को हेल्दी स्नैक्स खाना हो तो वो हेल्दी बिंज का सहारा ले सके। आज हमारा आस्क है 50 लाख फॉर 5% इक्विटी। प्रणव, करण, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? सो हम दोनों कजिन्स हैं, फर्स्ट कजिन्स हैं, छोटे से हम लोग एक साथ बड़े हुए। बड़े भैया हैं। बड़े भैया। मैं नागपुर में बॉर्न हुआ, वहाँ पे मेरा स्कूलिंग हुआ है, फिर बाद में हमें पूना शिफ्ट हुआ, वहाँ पे मैंने SP कॉलेज से कॉमर्स किया, फिर उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे मैंने मेरा मास्टर ऑफ फाइनेंस कम्प्लीट किया और CPA भी किया। आई वॉज वर्किंग ओवर देयर इन वेरियस इंडस्ट्रीज। हाउएवर हमेशा इच्छा थी वापस आने की। जब भी हम इंडिया आते थे मेरी फैमिली के साथ, ऑलवेज वी यूज्ड टू थिंक यार क्यों वापस जा रहे, यहाँ पे पूरी फैमिली है। सो 5 साल पहले हमने डिसीजन लिया कि वापस आए। एक मेरे दिमाग में पक्की चीज़ थी कि मुझे वापस आके फाइनेंस में जॉब नहीं करना था। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। मुझे कुछ फूड इंडस्ट्री में करना था। उसका बैकग्राउंड इतना ही था कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया फर्स्ट टाइम, आई डिडंट नो इवन हाउ टू कट वेजिटेबल्स, और वहाँ पे मैं बहुत सीखा। एंड इंटरेस्टिंग थी चीज़ ऐसी थी कि जब मेरे बच्चे, यू नो दे आर वेरी फिनिकी ईटर्स, दोनों 2 बॉयज टेरिबल ईटर्स, उनको हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग बना के देने की इच्छा रहती थी। सो आई यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ रेसिपीज, गिव देम टू ईट। सो यू आर अ हैंड्स ऑन फादर। यस, एब्सोल्युटली। सो जब मैं वापस आया तो आई वॉज लकी टू वर्क विथ माई फादर इन लॉ। ही इज़ अ रिनाउंड एग्रीकल्चरिस्ट। सो फार्मर्स के साथ काफ़ी कनेक्ट हुआ मेरा, और वहाँ पे मुझे मिलेट्स के बारे में पता चला, और उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं नेचुरल। सो उस हिसाब से मैंने सोचा कि व्हाई नॉट डू समथिंग इन मिलेट्स, मेक इट इनटू अ मॉडर्न स्नैक सो दैट सब खा सके।
मैं भी नागपुर में पला बड़ा विद प्रणव, उसके बाद मैं पूना शिफ्ट हुआ फॉर माई हायर स्टडीज, कॉमर्स और एमबीए मार्केटिंग मैंने सिम्बायोसिस से किया। उसके बाद आई गॉट एन ऑफर विद आईटी कंपनी एज अ बिजनेस एनालिस्ट। मेरे को एक ऑफिस जॉब नहीं करना था, आई वांटेड टू काइंड ऑफ गेट आउट। कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड्स के लिए हम लोग सोच रहे थे करने के लिए, सिंस प्रणव ऑलरेडी वॉज फील्ड में थे, मिलेट्स राइस एवरीथिंग वॉज देयर, इसलिए हमने वेंचर ये चालू कर दिया साथ में। ये ऑरेंज एंड पर्पल बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। इसका डिजाइनिंग एंड ऑल दैट हम दोनों ने मिलके किया है। बहुत अच्छा डिजाइन है, मेरे को लगा कोई एजेंसी वगैरह यूज करी होगी, बट वेरी क्लीन क्लियर अच्छा डिजाइन। एक फ्लेवर जो है उसका नाम है मोरिंगा ज्वार इंडियन मसाला के साथ। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला। और जो दूसरा है जो राजगीरा हम लोग खाते हैं, ये तो चीटोस का टेस्ट है बिल्कुल, चीज का सीजनिंग है उसमें। दिस मसाला यूजुअली इज एमएसजी। गाइस एक 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 क्वेश्चन है। जी जी, और एकदम साफ साफ बताना भाई, आप थोड़ा भी एमएसजी डालते हो एनर्जी इसमें? थोड़ा सा वो नहीं, एमएसजी नहीं डालते। स्पाइस एक्सट्रैक्ट्स इज आल्सो एमएसजी, वो डालते हो? नहीं डालते, बिल्कुल नहीं डालते। वेरी यमी, it's superb, thank you so much, cannot believe ki itna healthy and 40 rupees kafi affordable hai, correct? Yeah, so idea was ki jo fried chips aate hain wo dikhte hain obviously because saste hain available bahut har jagah, to hume isko available to karna hi hai, that is a big task, but at the same hamare haath mein at least tha ki pricing ek aise point pe laaye jo upgrade karna cha raha ho to a healthier option to ye kha sakta hai. Aapka abhi sale kitna hai? Jab se launch kiya hai तब से 56 लाख सेल है। पिछले महीने हमारा 11 लाख सेल था। जब लास्ट मंथ की सेल आपकी 1/4 होती है पूरे अरसे से, जी जी, तब हमेशा लास्ट मंथ से शुरू किया करो। यू लुक बेटर। जी ओके सॉरी। तो अभी लास्ट 3 मंथ्स की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है? तो लास्ट मंथ 11 था, 11 लाख, फिर 7.5 लाख था उसके पहले 6.5 लाख। ये ऑफलाइन से आ रहा है या ऑनलाइन में ही ग्रोथ हो रहा है? सो 60-40 है, ऑनलाइन की वजह से ऑफलाइन में हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्कवर कर रहे हैं अमेज़न पे। तो अभी आपका मार्जिन क्या है इसमें? जो 11 लाख हुआ इसमें आप प्रॉफिटेबल थे? नहीं, वी आर बर्निंग कैश, 5 लाख का हमारा बर्न चल रहा है। तो यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दीजिए ना, समझ में आ जाए। जी जी, सो अभी हम लोग 40 रुपीस में बेचते हैं, उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को 35% देते हैं। ओके, सो 26 में बेचते हैं हम लोग। अच्छा, 12 रुपए हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेकिंग। ओके, और 14 रुपए बच गया। 14 रुपए बच गए, सो 55% ग्रॉस प्रॉफिट है। और उसके बाद सैलरीज में हमारा मेन बर्न हो रहा है। नहीं, 56 के बाद आपका मार्केटिंग भी होगा ना? मार्केटिंग का हम लोग हमारा एज अ टोटल 1 लाख रुपए का खर्चा होगा। बट यू डोंट डू इट ऑन अ वेरिएबल बेसिस? वेरिएबल बेसिस पे नहीं, अभी 11 लाख की सेल पे 1 लाख ही मार्केटिंग लगा ना, 10। चलिए 10%, 2 रुपया वहाँ लग, 2 रुपया लग गया। तो सैलरी किसको दे रहे हैं आप इतनी? हम लोग अभी ड्रॉ नहीं कर रहे, पर हम लोग बुक कर रहे 1-1 लाख की सैलरी। उसके साथ ही साथ फूड टेक्नोलॉजिस्ट है हमारे पास, सेल्स पर्सन है और प्रोडक्शन स्टाफ भी है पूरा। पर फूड टेक्नोलॉजिस्ट के आगे के प्रोडक्ट्स कुछ और बन रहा है क्या? कैसे है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, इट्स ISO 22000 एंड USFDA सर्टिफाइड फैसिलिटी, तो पूरा क्वालिटी चेक करने के लिए वी नीड फूड साइंटिस्ट। ये आपकी खुद की फैक्ट्री है? जी, हमारी खुद की फैक्ट्री, 15000 स्क्वायर फीट पे पूना के बाहर फैक्ट्री है। कितना पैसा लगा दिया है इसमें टोटल? अभी तक हमारा कैपिटल उसमें 1 crore तक कंप्लीट लग गया है। और ये मिलेट से हम ग्राइंड करते हैं और फिर ग्राइंड करके उसका फ्लावर बनाते हैं और ये मिक्सिंग करते हैं इसमें और फिर वी टेक इट आउट फ्रॉम द मशीन एंड देन इट कम आउट इन दिस शेप, सो दे आर लिटरली वाइट इन कलर। फिर उसको हम बेक करते हैं, उसका पूरा मॉइस्चर निकाल लेते हैं और फिर सीजनिंग करते हैं। फिर ये बैच कोडिंग और पैकेजिंग का पूरा हाइजीनिक वे से हम कम्प्लीट करते हैं। 1 crore रुपया फैक्ट्री में कैसे लगा दिया यार? बिफोर सेल थोड़ा सा मतलब संकोच नहीं हुआ? थोड़ा डाउट नहीं हुआ कि अगर काम नहीं चला तो क्या करेंगे? वी बिलीव इन आवर प्रोडक्ट, वी हैव टू बैक आवर सेल। आपको ये नहीं लगता है कि जो इनकम्बेंट्स हैं रेगुलर चिप्स बेचते हैं? जी जी, एट सम पॉइंट दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर देम, क्योंकि जी कोई पॉप्ड कर रहा है, कोई बेक कर रहा है, जी वो भी कर लेंगे। इट्स नॉट दैट इजी। हमने ऑलमोस्ट 1 साल सिर्फ R&D में लगा के इसको ये पूरा कंप्लीट किया है। तो
प्रोप्राइटरी रेसिपीज करके मिलेट्स का जो एक यूनिक टेस्ट होता है वो हमने जो इंटीग्रेशन किया है विद द प्रोडक्ट वो इट इज यूनिक। कितने सेल्स की कैपेसिटी है आपकी फैक्ट्री? सो अभी हम लोग 10% पे ही है, सो वी स्टिल आर एबल टू गो अनदर 80% 1 करोड़ तक तो पक्का जा सकते हैं। कंपटीटर कौन है आपका? सो ईट एनी टाइम, ग्रीन स्नैक को, इवॉल्व स्नैक, सो ये हेल्दी कैटेगरी में आते हैं सब। इतने हेल्दी चिप्स ब्रांड्स आ गए हैं, लास्ट सीजन में भी आए थे, इस सीजन में भी आए हैं, तो मार्केट जाते हो तो वहाँ भी देखोगे, तो हो क्या रहा है बस? सी देयर इज अ मार्केट तो है बड़ा, 50,000 करोड़ का पूरा मार्केट है स्नैक्स का, उसमें से अगर हम 10% भी पकड़ ले हेल्दी स्नैक्स के लिए तो 5,000 पैकेज स्नैक्स का मार्केट है। देयर इज लेसर सप्लाई और उसमें भी ऑप्शंस अच्छे वाले टेस्टी ऑप्शन जो हम दे सकते हैं वो और कम है, तो यू नो दैट वे वी आर यूनिक, वी आर इन अ पोजीशन टू ग्रो बेटर एज वेल। CEO बड़े भैया हैं कि छोटे भैया? बड़े भैया। और आपकी इक्विटी सेम है? मेरा 46% है, इसका 38% है। और बाकी? बाकी 16% मेरे हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो एक फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड किया आपने? जी, कब जी। किया, क्या वैल्यूएशन पे किया? अप्रैल 21 में किया था। क्या वैल्यूएशन पे किया, कितना पैसा उठाया? सो हमने 1.13 करोड़ लिए थे और 16%। वैल्यूएशन कितना हुआ भाई? सो अराउंड 7.5। 7.5 crores और आज आप मांग रहे हैं 10 crore वैल्यूएशन? जी जी। एक सवाल पूछूंगा, जब लड़ाई होती है आप दोनों में, होती है कभी डिसएग्रीमेंट होता है? डिसएग्रीमेंट थोड़ा बहुत होता है पर ऑपरेशनली चीज पे होता है। ऑपरेशनल पर तो आप कैसे रिजॉल्व करते हैं और आपको नहीं लगता ये आगे जाके प्रॉब्लम होगा? नहीं, हम लोग बात करते हैं, हम लोग अभी भी अपफ्रंट है, बहुत बार होता है कभी कभी ऑपरेशनली भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं, यार ये पसंद नहीं है, ये बराबर नहीं कर रहा है तू, तो मतलब यार ठीक है, विल टेक इट, विल वर्क ऑन इट एंड आई विल कम बैक विद अ बेटर सॉल्यूशन, पॉजिटिव। तो कल को ये टारगेट नहीं मीट करता है, सपोज ये परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, लाइक नहीं ऐसे हुआ ही नहीं, ही इज अ वेरी गुड सेल्समैन। आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट दिस एज वेल। हम लोग मुंबई में इवेंट करने गए थे, लेट नाइट 1 बजे वापस आ रहे थे, हमारे पास इसके डब्बे पड़े थे, तो जाके उसने वो मगनवाल चिक्की वाले को बोल दिया कि ऐसे ऐसे खरीद लो, तो ही एक्चुअली सोल्ड अराउंड एट 1 o'clock टू दो दैट मगनलाल चिक्की की ये बेचे बिकेगा, एंड ही एक्चुअली मेड इट वर्क। मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, आई विल गिव यू द सेम ऑफर दैट यू आस्क फॉर। जी। 50 lakh 5%। ओके। आई वुड लाइक अमन टू जॉइन मी इन दिस डील बिकॉज आई थिंक इनका D2C जो एंगल है Amazon पे इनका काफी प्रोडक्ट वो हेल्पफुल रहेगा। मुझे आप एंटरप्रेन्योर्स बहुत बढ़िया लगे। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक अर्ली स्टेज है, लॉसेस है जी, शायद और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जी। आई एम विलिंग टू गो फुल वे। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज 1 crore चाहिए, आई एम विलिंग टू गिव 1 crore फॉर 10। बाप रे, क्या बात है। वाओ, थैंक यू सो मच। मैं 2-3 क्वेश्चंस पूछ लूं फिर आपको जवाब दे दूं। ठीक है, श्योर। तो उससे पहले विनीता आप अपना आंसर दें। आपने जो 2-3 डायरेक्ट कंपेटिटर्स के नाम लिए उसमें से एक में मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मेरा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है और आपको बहुत अच्छी ऑफर मिली है, तो मेरे लिए यू नो आपके साथ पार्टिसिपेट करना अभी डजंट मेक सेंस। आप डेफिनेटली यहाँ से 100x ग्रो करें, ये मेरी आपके लिए विशेस हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच विनीता। पहले तो पुणे से कंपनी आती है तो बहुत अच्छा लगता है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। Without negotiation, इतने अच्छे शार्क से आपको ऑफर मिला है। जी, absolutely. I don't think मैं आपकी पीयूष जितनी मदद कर पाऊंगी। For that reason, I'm out, but I wish you the best. Thank you so much. आपकी जो टेस्ट थी प्रोडक्ट की, I like that. लेकिन मेरा ये भी मानना है कि ये जो कैटेगरी है जी, बहुत ज्यादा क्राउडेड हो रही है। आपको मार्केटिंग में काफी खर्चा करना पड़ेगा अगर आपको अपनी जगह बनानी है, तो इस वजह से मैं आउट हूँ। आई थिंक 10 crores इज अ रिच वैल्यूएशन, बट यू हैव एन ऑफर, सो आई थिंक यू शुड टेक इट। जैसे आप लोग इतने हसलर टाइप के लोग हो, तो स्विगी जेप्टो वगैरह ट्राई किया था? हाँ, हमें करना है वो, कब से हम पीछे पड़े उन लोग के। हाँ, तो पीछे पड़े हैं मतलब कैसे कर रहे हो पीछे? भाव नहीं मिल रहा है। भाव नहीं मिल रहा यार, कमाल का आंसर है। मैं लास्ट सीजन का जो मैं बनाना चिप्स में डाला था 20 lakh पे डाला था हमने, आज वो 2 crore महीना कर रहा है, मतलब क्रेजी। उनका जब वो छोटा पैकेट आया ना, वो पैकेट से बहुत सेल बढ़ी है। तो वो जब ऑफलाइन में पेनिट्रेशन होगा, काफी छोटे शहरों में छोटे दुकानों में जब जाएंगे,
तो उसकी पैकिंग भी अलग हो जाएगी, जो 20-10 रुपए वाली कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ना यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ऑलवेज लुक फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट्स अ बिलीफ आई हैव, राइट? एंड यू गाइस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स, आई विल टेल यू व्हाई। थैंक यू सो मच। क्योंकि एक ना हसल होता है, एक लोग होते हैं हसल करते हैं, और एक होते हैं हसल हार्ड बट स्टे हम्बल। यू गाइस आर ऑल्सो हम्बल, जिस तरह आप बात कर रहे हैं तो ये बहुत हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी भी आ रही है। तो मैं पीयूष का ऑफर जो दिया था उसमें एक्सेप्ट करता हूँ, एंड आई थिंक द फ्यूचर इज ब्राइट। करें डील? यस डील। दिखाई होता है। वेल डन, वेल डन। हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं कि संडे को जब किसी से बात करें तो संडे अच्छा गुजरे। Let's do it. आप में वो बात है। हाँ। और एक और है, सैटरडे को जब हम पार्टी करें तो चिप्स भी फ्री। कब तक वही बनाना चिप्स खिलाए? थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड। Hi Sharks. Hi. सबसे कॉमन चीज है डेनिम। डेनिम एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी कहीं पे भी पहन सकते हैं, डेट नाइट, कॉलेज आउटफिट्स, ट्रेडिशनल वेयर में आजकल आप डेनिम्स पहन सकते हैं। लेकिन Sharks, अगर आप आज की इंडियन डेनिम मार्केट देखेंगे तो या इंटरनेशनल फास्ट फैशन ब्रांड से भरी हुई है, जो या तो बहुत एक्सपेंसिव है, या हमारी इंडियन वुमेन की बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं बनाई गई है, या हमारे वेदर के लिए सूटेबल नहीं है। और दूसरी तरफ Sharks, अगर आप देखेंगे इंडियन डेनिम ब्रांड्स, ये प्राइमरली मेल ऑडियंस को ही केटर करते हैं, एंड वैसे भी ज़्यादा एस्पिरेशनल नहीं है हमारे इंडियन यूथ के लिए। तो Sharks, यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आए हैं हमारे ब्रांड के साथ, वो है फ्रीकिन। नमस्ते Sharks, मेरा नाम है पुनीत और मैं हूँ बॉम्बे से। और मेरा नाम है शान और मैं हूँ अहमदाबाद से। फ्रीकेंस एक डेनिम फास्ट फैशन अपैरल ब्रांड है जो हर हफ्ते अलग अलग स्टाइल्स लॉन्च करता है इंडियन वुमेन बॉडी टाइप के लिए, और जेन जी फोकस्ड है। हमारे पास 35 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं और 1500 से ज़्यादा स्टाइल्स हैं डेनिम। पिछले 3 साल में हम लोगों ने 2.5 लाख ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं इंडिया में। हमारे स्टाइल्स कॉलेज गर्ल्स भी पहनते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी पहनते हैं। हमारे स्टाइल Sharks आप आज frequence.com पे भी खरीद सकते हैं, एज वेल एज ऑन मार्केट प्लेसेस सच एज Amazon, Myntra, Nykaa और Meesho। हमारा विजन क्लियर है, अगर डेनिम या जीन्स की कोई बात कर ले तो फ्रीकेंस पहले आना चाहिए, और इसी के लिए आज हम आस्क लेके आए हैं 70 लाख फॉर 1%। हमारा धुंधला हो गया विजन। टीम फ्रीकेंस Shark Tank पे आपका स्वागत है। थैंक यू। अभी आप बताइए आप दोनों के बारे में। मैं स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज था जब फ्रीकेंस चालू किया। इट वाज आउट ऑफ एन इनसाइट। मेरे फ्रेंड्स लेके आ रहे थे, दे वर गेटिंग इट ट्रिम्ड और अल्टर करा रहे थे। दे वर लुकिंग एट द वेस्टर्न ओटीटी कंटेंट बट नॉट गेटिंग द प्रोडक्ट्स इन देयर हाइट, देयर साइज, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो मेरा बैकग्राउंड ऑफ फैमिली इज वॉट सपोर्टेड मी। माई बैकग्राउंड एंड फैमिली इज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, बट हम लोग बाहर वाली कंपनीज के लिए करते हैं, तो वाई नॉट जस्ट फॉर आवर सेल्स। और आपके पापा की डेनिम की भी फैक्ट्री थी? मेरे अंकल की। तो मी और मेरे अंकल सचिन, वी स्टार्टेड यूजिंग वो ही फैब्रिक्स और वो ही स्टॉक टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर आवर सेल्स। 3 साल हो गए, एंड देन द फ्रीकेंस वॉज बींग लुक फॉर एक्विजिशन बाय वन ऑफ द लार्जर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, जहाँ मैं पुनीत से मिला। पुनीत वहाँ काम कर रहा था? जी Sharks, मैं Nykaa पे काम कर रहा था और उधर मैं चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर था। पहले ही हफ्ते में फ्रीकेंस की डील आ गई थी, शांत की और मेरी तो उधर ही क्लिक हो गई थी कि इंडिया में अगर फास्ट फैशन ब्रांड बनाना है तो पूरी सप्लाई चेन फुल स्टैक ओनरशिप होनी चाहिए। तो मैंने शांत को फोन किया, आंसर कि क्या कर रहे हैं, चलो साथ में कुछ करेंगे तो कुछ बड़ा बना लेंगे, एंड दैट्स हाउ वी केम टुगेदर। और हाउ डू यू फील कि आप Nykaa से बड़ा चेक लेने को और आपको पुनीत मिल गया उसकी जगह? अक्वायर हमने किया ना। तो आपके अंकल का भी हिस्सा है इस कंपनी में? जी। तो इक्विटी कैसे डिवाइडेड है शान, पुनीत और आपके अंकल में? -54%। Yours is 54%। भाई कमाल का खेल खेला यू। क्या एक्वायर करा है? एक्वायर कर ही लिया। 54% yours? One second, just clarify. 36%। 36 और अंकल जी? अंकल जी 5%।
और बाकी एंड 5% ESOP pool. How did you freaking do it? I'll answer that. When we started, पहले से ही विजन था कि बड़ा करना है. सप्लाई चेन अपने पास है, मार्केटिंग अपने पास है, Gen Z कंज्यूमर ब्रांड है. वी लैक बिग टाइम ऑन बिज ऑप्स, जिसके वजह से 3 साल में वी हैव इनकर्ड लॉसेस एंड स्टफ. यू लैक व्हाट? बिजनेस ऑपरेशंस. ये कैसे डिसाइड हुआ कि यू आर 54 एंड आइडिया आप लाए थे? हाँ, शान ओन 40% ऑलवेज, सचिन ओन द अदर 60%. मैंने आके वो 60% ले लिया था. अभी के लिए वी गॉट कमिटमेंट्स ऑफ 4.5 crores. And we've also signed Dexter. At what valuation? वो 20% convertible note पे किया है. At cap क्या है वो? We've cap हम लोग बात कर रहे हैं 30 crore की and 60 crore की, लेकिन उसमें भी थोड़ी flexibility है because friends and family है, reputation नाम पे देते हैं. And फिर Dexter के साथ हम लोग अभी ये महीने जा रहे हैं out to raise money. And उनके साथ जब बातचीत हुई है तो we've spoken about a valuation of somewhere around 70 crore. इसलिए वो valuation आ गई है. आपके designations क्या है? I'm running the marketing to CMO and you are CEO. Yes. They all made something for each one of you. अरे वाह. Can we get it? ले आइए रिश्वत, ले आइए जल्दी से. Thank you so much. बढ़िया है भाई, मेरे में तो यार ये बनी हुई है. Wow. लेंस कार्ड का चश्मा. Not bad. अच्छा चलो सेल्स पे आ जाइए. मैं नेट सेल्स की बात कर रहा हूँ. 2019 टू 2020 हमने 90 लाख नेट किया था. 2020 टू 2021 हमने 6.7 CR नेट किया था. Wow. उसके बाद हमने 2021 टू 2022 हमने 10.4 CR नेट किया था. Puneet is adding value. And अब this fiscal year हमने 6 महीने में average of 90 lakhs का net किया. September has been one of the bigger months of 90 lakh के ऊपर. Losses और profits का क्या scene? Year one was like a break even, छोटा number था तो बहुत कुछ ऊपर नीचे नहीं था. Year two में हम लोग ने 2.1 CR का loss किया. Year three में 3.8 CR का loss किया. बट इस साल हम लोग ने अभी एक सेकंड, ये किसने पैसे भरे लॉस के? आपने भरे? हाँ, सो फैमिली वाज फंडिंग इट थ्रू स्टॉक, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी था तो इन्वेंटरी कैपिटल जो था वो अंदर आया जा रहा था. अच्छा, एंड इस साल? इस साल हम लोग ने अभी तक इन टोटल लॉस 60 लाख का किया 6 मंथ्स में. तो ये लॉस हो क्यों रहा है? दैट इज माय थिंग. फॉर 2 साल तक हमारे ग्रॉस मार्जिन हमको पता नहीं थे, वी वर सेलिंग इट वेरी चीप. हमारे पास इन्वेंट्री टर्न्स और इन सब का नॉलेज बिल्कुल नहीं था. सो वी वर जस्ट पुशिंग इट आउट, इन्वेंट्री डाले जा रहे थे, सेल हो रही थी पर पता नहीं था कितना बना है, क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं. जब अप्रैल में जब सब कुछ स्ट्रक्चराइज होने लगा, 38% का ग्रॉस मार्जिन से हम लोग 63% ग्रॉस मार्जिन पे आ गए. गाइस, व्हाट अ फ्रिकिंग मेस. ये 60 लाख रुपए जो गए पिछले 6 महीने में, ये किसने भरे? दिस 60 लाख अभी के लिए सचिन के थ्रू आए इन वेंडर पेमेंट्स व्हिच वी ओ टू हिम. आप अभी आ गए हो, यू ओन 54% ऑफ द कंपनी, फिर भी लॉसेस हो रही है, लेकिन फैमिली उनकी दे रही है. आज अगर आप 70 लाख लेके जाते हो, yeah. तो आप वो वेंडर पेमेंट करके डेट रिटायर करो. यस यस. तो अभी के लिए आई एम आउट, आई एम आउट. इट्स अ मेस भाई. आई एम नॉट सिटिंग हियर टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी फॉर द पास्ट. मैं इन्वेस्ट करूंगा पैसे फॉर द फ्यूचर. तो या तो आपने गलत कहा या मैंने गलत सुना, क्या बात? Exactly, अनुपम, let me just clarify this thing. जो losses है right now, उनमें से vendor को हमें 20 लाख रुपए हर महीने देने COGS के लिए, तो वो payments अब तक हम लोगों ने की नहीं है. अभी जो 4.5 crores का जो commitment एंड ये महीने में आने वाला है, उनमें से we are going to first retire 1.5 crores in total working capital debt. एंड फिर आगे जाके वेंडर के साथ हमारी 120 दिन की पेमेंट टर्म्स है. बट जो 4.5 करोड़ डाल रहा है वो रेडी है कि वो 1.5 करोड़ आप डेट रिटायर करेंगे? यस, रिटायर भी करेंगे. व्हाट्स रॉन्ग विद रिटायरिंग डेट? अरे, यू डोंट फंड अ कंपनी, यू फंड अ कंपनी फॉर ग्रोथ, नॉट टू रिटायर. बेसिकली अनुपम, क्या है कि ये 6 महीने के लिए व्हेन वी डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, मैंने सचिन के साथ बात की एंड सेड कि ये कमिटमेंट्स है, हम लोग डील क्लोज करके पैसा ट्रांसफर कर लेंगे, लेकिन द बिजनेस शुड कीप ग्रोइंग, तो प्लीज आप स्टॉक देते रहिए. वी नो दैट आवर बिजनेस इज नॉट येट प्रॉफिटेबल, लेकिन वी आर रिड्यूसिंग आवर लॉसेस एंड वी हैव आल्सो पेड 1 करोड़ टू सचिन एज जस्ट अ सेकेंडरी डील. मैं देखो बताता हूँ हुआ क्या है.
एक कंपनी थी फ्रीक्वेंस जो इन्होंने और सचिन ने शुरू करी थी, उसमें लॉस हो रहे थे। इन्होंने सोचा कंपनी बंद कर देते हैं। बंद करने के सिवाय अब पुनीत आ गए। पुनीत ने बोला मैं कंपनी रन करूंगा, आपके जो डेट्स वगैरह होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। Am I right? आप 1 करोड़ रुपए ले लो, साथ में 1 करोड़ रुपए दिया। मैंने 1 करोड़ रुपए भी दिए प्लस जो प्रीवियस डेट था। 1 करोड़ रुपए किसने दिए? मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली से जो रेज किया है ऑफ दैट 4.5 राइट नाउ, उसमें से 1 करोड़ हम लोग वो सेकेंडरी सेल में दे दिया है। 1.5 करोड़ टू रिटायर ऑल ऑफ द डेट एंड फिर बाकी का ऑफ कोर्स इन द बिजनेस आएगा। प्लस वी आर गोना बी रेजिंग मनी आल्सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल ब्रेक इवन। चलो मैंने डिसीजन बना लिया, आप पुनीत एक अच्छा बेट ले रहे हो एंड इट इज वर्थ योर टाइम। एंड अगर आपने इसको सक्सेसफुल बना दिया है, टर्न अराउंड होते हैं बिजनेसेस, बट अभी मेरे लिए इन्वेस्टेबल नहीं है बिकॉज इट इज कॉम्प्लिकेटेड। मे बी 1 साल बाद मैं चाहूंगा आप यहाँ पे आओ 30 करोड़ की सेल करके कंप्लीटली डेट फ्री करके कंपनी को, देन आई वुड बी ओपन टू इन्वेस्टिंग, नॉट टुडे। गाइस मैंने भी डिसीजन बना लिया, आप यहाँ तक आए हो, जिस तरह से आपकी जोड़ी बनी, आई थिंक देयर इज सम डेस्टिनी अवेटिंग यू। लेकिन मुझे और कोई 2-3 अलग प्रॉब्लम है। एक तो मैं कोई डिजाइन लैंग्वेज नहीं ढूंढ पा रहा हूँ आपकी स्टाइलिंग में, इट ऑल सीम्स वेरी डिफरेंट एंड मेसी लाइक योर कंपनीज कैप्टन। इस रीजन से मैं आज आउट हूँ। लाइक पीयूष सर, 1 साल बाद अगर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी हो तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है एक इन्वेस्टर को। करंटली जो आपने बताया 3.5 करोड़ लॉस, 2.5 करोड़ लॉस, 1.5 करोड़ लॉस, अभी वापस 60 लाख लॉस, इससे यू नो आई प्रेफर इन्वेस्टिंग इन कैश फ्लो बिजनेसेस। बट विश यू द बेस्ट। एज आई सेड बाय एंड ऑफ दिस ईयर वी विल बी प्रॉफिटेबल। इनफैक्ट ये महीना जो सितंबर का महीना है हैज बीन आवर बेस्ट मंथ। वी हैव डन 1.95 करोड़ इन ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ कोर्स। कहाँ सेल्स करते हो? DTC पे 35% होती है एंड फिर मार्केट प्लेसेस पे 65%। अभी तो ये सीजन चालू हुई है एंड वी हैव, अगर सेल पीरियड भी है तो वी आर नॉट डिस्काउंटिंग एनीथिंग, वी डोंट डिस्काउंट एट ऑल। फिर भी सेल के टाइम पे वी आर वन ऑफ, वी सेल रियली वेल। दूसरी बात है कि मिंत्रा हैज अ मंथ बैक दे हैव गिवन अस एन MOU वेयर दे वांट अस टू बी एक्सक्लूसिव ऑन देयर प्लेटफॉर्म। द कमिटमेंट उन्होंने दिया है इसकी पहले 12 महीने में हम लोग 40 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे उनके साथ एंड द सेकंड ईयर वी विल डू 70 करोड़। टोटल मार्केटिंग स्पेंड कितना था सितंबर में? मार्केटिंग पे टोटल मतलब 12 लाख रुपए परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे स्पेंड की थी। 12 लाख स्पेंड किया एंड 1.1 करोड़ नेट रेवेन्यू। 1 करोड़ 5 लाख, इज दैट करेक्ट सितंबर में? आपका बर्न थोड़ा ज्यादा है और आपने ब्रांड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करी है। अभी तक आप परफॉर्मेंस और कमोडिटी ट्रेडिंग की तरह काम कर रहे हो थोड़ा सा, और आपने बोला मैं डिस्काउंट भी नहीं करता। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आजकल तो बेस्ट से बेस्ट ब्रांड भी ना डिस्काउंट बेचता है अगर डील आ रही होती है और अगर मिंत्रा में सेल चाहिए होता है, क्योंकि एवरीबॉडी कमिंग फॉर द सेल इज कमिंग फॉर अ लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट। मे बी यू गाइस कैन डू वेल, आई एम आउट फॉर। मैं अमन से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ बाय द वे। डिस्काउंट करो, अगर आप 1.9 करोड़ का सेल्स कर रहे हो और 10 लाख उसमें आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डाला है और डिस्काउंट नहीं, तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो क्यों डिस्काउंट पे जबरदस्ती देना? आई फील दैट मतलब अगर ब्रांड बनानी है तो प्राइसिंग कंसिस्टेंट रखना है। सॉरी जस्ट टू इंटरप्ट, व्हेन यू डिस्काउंटिंग मतलब वी डू ऑप्टिकल डिस्काउंटिंग करते हैं। अरे भाई उन्होंने ना बोला वो आउट है। नो आई गॉट इट, आई गॉट इट। व्हाई यू अग्रीइंग विद इट? बट इट्स राइट बिकॉज़ यू नो शी इज नॉट अग्रीइंग, बट दे डू डिस्काउंटिंग। ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जब आपको लगता है कि कोई चीज है लेकिन वो होती नहीं है। उसी तरह ऑप्टिकल डिस्काउंट होता है जब एक कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाती है, उस पर डिस्काउंट देती है, कंज्यूमर को लगता है उन्हें डिस्काउंट मिल रहा है लेकिन असलियत में डिस्काउंट है ही नहीं। यू नो पहली बात तो ऑब्वियसली ये राउंड में आया जा सकता है ओनली इफ देर आर अदर पीपल, बिकॉज 1.5 करोड़ की डेट तो बहुत हाई होती है, तो मुझे नहीं लगता इसका वैल्यूएशन भी 20 करोड़ से ज़्यादा लगाया जा सकता है। तो अज्यूमिंग कि दिस इज पार्ट ऑफ अ बिगर राउंड एंड वुड बी ओके टू कम इन विद 50 लाख इन इक्विटी एट 2.5% विच इज 20 करोड़ की वैल्यूएशन एंड अनदर 20 लाख इन डेट एट 12% इंटरेस्ट। इट्स अ गुड ऑफर, इट्स अ वेरी गुड ऑफर। विनीता थैंक यू फॉर द ऑफर। हमारे पास एक काउंटर है, अगर आप अलाउ करो। अच्छा बताइए काउंटर। 50 लाख और 2% डेट वाला इज फाइन। 25 करोड़ बहुत ज्यादा वैल्यूएशन, 20 करोड़ इज एब्सोल्युटली फाइन।
रही था. रीजन वी आर ऑल्सो सेइंग इट पार्टली इसकी बाकी के जो लोग हैं जो जिससे रेस कर रहे हैं. बट शी एड वैल्यू बॉस. शी एड अ लॉट ऑफ वैल्यू डेफिनेटली. हां बट अदर्स मे नॉट एड वैल्यू. नहीं लेकिन क्या है कि पीयूष जिन्होंने भी कमिटमेंट की थी लास्ट सिक्स मंथ्स में द बिजनेस हेल्थ हैज इंप्रूव्ड अ लॉट. आई कैन नॉट मूव ऑन द वैल्यूएशन. इनका नॉन नेगोशिएबल ऑफर है 50 लाख फॉर 2.5%. तो आपका डिसीजन बताइए. नीता डील पक्की. ओह नाइस वेल डन गुड डिसीजन. ये लोग भी बड़े खुश है कि रिलैक्स हो गए. कह रहे हैं हमारा तो ऐसे बिठाया हुआ है. Thank you. आज शॉक एक्सपीरियंस में नमिता अलीगढ़ से नूर का सवाल है. आपकी किताब बहुत बढ़िया है और कई इनसाइट्स देती है, लेकिन ये बताइए कि पांचों शार्क्स में से शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स कौन है और डॉल्फिन्स कौन? पहले तो नूर थैंक यू कि आपने मेरी किताब पढ़ी और आपको अच्छी लगी. अब ये जो सवाल है शार्क्स और डॉल्फिन वाला, तो जब हम डील्स के लिए लड़ते हैं, जब हम मुश्किल सवाल पूछते हैं फाउंडर्स को, तब आपको हम सब में वो शार्क दिखेगा. लेकिन बहुत बार हम ऐसे वेंचर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं जहाँ टाइम लगेगा उन्हें टू बिकम प्रॉफिटेबल, लेकिन उनकी कहानियाँ इतनी सुंदर होती है. तो ऐसे वेंचर्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, आपको हमारे जो डॉल्फिन का रूप है वो नजर आएगा.